हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपनी फोर्ड एस्पायर का रिव्यू करने वाला हूँ। उसको 6 साल हो चुके हैं और 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है और देखना चाहता हूँ कि और कितना चल सकती है। आपने थंबनेल में देखा रहे जो मैंने डाला है। फिर दूसरा एक जो चीज उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, जो फोर्ड इंडिया है, फोर्ड इंडिया ने अभी रिस्ट्रक्चरिंग किया है इंडिया में, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग बंद करने वाला है, उसके बारे में बात करूंगा। और तीसरा जो टॉपिक है कि फोर्ड ओनर्स का अब क्या होगा, तो उस टॉपिक के बारे में मैं आपका मेरे क्या व्यूज है, मैं खुद एक फोर्ड ओनर हूँ, तो उस चीज के बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो स्टे ट्यून, कहीं जाना मत। ओके गाइज, ये रही मेरी गाड़ी, 6 साल पुरानी गाड़ी, 1,00,000 किलोमीटर हो गए इस गाड़ी के। तो इस गाड़ी के ऊपर जो भी स्क्रैचेस रहेंगे प्लीज़ उसे नज़रअंदाज करिए, ठीक है। फ्रंट लुक वैसे का वैसे ही है, सेम है, बट ये मैंने जो हेडलाइट क्लस्टर है ये चेंज करवाया है। ये जो एस्पायर स्पोर्ट्स वेरिएंट है उसका है, तो ये करवाया मैंने। एंड आप अंदर देख सकते हैं जो बल्ब है ये भी मैंने चेंज किया है। ओसराम नाइट ब्रेकर है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप देख सकते हैं। क्योंकि लो बीम में वाइट लाइट है और हाई बीम में लो बीम में येलो है और हाई बीम में वाइट है। एंड इसका थ्रोर जो है वो एकदम परफेक्ट और बहुत बढ़िया है। तो H4 ही है जो स्पेसिफिकेशन है, अब प्लग एंड प्ले है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, ठीक है। तो अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो सेम है, बट थोड़े बहुत चेंजेस है। अलॉय व्हील्स आप देख सकते हो, 14 इंच के अलॉय व्हील्स डाले। फिर यहाँ पे जो क्रोम स्ट्रिप है, क्रोम स्ट्रिप मैंने लगवाई है, तो 14 इंच वाले अलॉयज है, ऑनेक्स के हैं। एंड जो टायर्स है ये मैंने चेंज किए, एक अपसाइज किया है, जो 175/65R14 आते थे ये 185/65R14 ही है, 185 सेक्शन वाले टायर्स है, ठीक है। तो साइड ऑन मोस्टली वैसे का वैसे ही है। अब रेयर प्रोफाइल की बात करें तो ये रहा रेयर प्रोफाइल। तो इसको मैंने जो फीगो का लोगो था वो निकाल दिया है, अभी एस्पायर का भी थोड़ा निकल रहा है, इसको चेंज करना है। और यहाँ पे एक मैंने RS का टच दे दिया है, ठीक है। और जो ये पीछे के रेयर लैम्प्स है इनको मैंने टिंट करवाया है, ठीक है। जो लाइट कलर का टिंट रहता है वो करवाया है, उससे ये स्मोक ब्लैक लुक देता है। स्मोक ब्लैक आप करने जाओगे तो बहुत महंगा आता है, टिंट हार्डली कुछ 600 रुपये में हो जाएगा, सस्ता सुंदर टिकाओ, ठीक है। तो ये रहा रेयर। अब इंटीरियर्स देखते हैं। अभी इंटीरियर्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि 1,10,000 के ऊपर किलोमीटर्स हो चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, 1,00,000 मैंने बोला, बट 1,10,000 हो चुके हैं। तो इंटीरियर्स में ऐसा कुछ खास चेंज नहीं किया मैंने, जैसी है वैसे ही है। पर सिर्फ ये सीट कवर जो है ये मैंने चेंज किया, ब्लैक कलर कर दिया है। ब्लैक कलर जल्दी गंदा भी नहीं होता है, पहले बेज कलर के थे तो बेज निकाल के मैंने ब्लैक किया है। एंड ओवरऑल बाकी सब इंटीरियर्स तो सेम है वैसे ही, ठीक है। तो अभी गाड़ी का हो गया सब, एक्सटीरियर इंटीरियर क्या क्या चेंजेस किए सब मैंने आपको बता दिए। तो अभी हम बात करते हैं फोर्ड इंडिया के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो प्लान्स फोर्ड इंडिया ने अनाउंस किए हैं कि हम इंडिया में रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अभी जो दूसरा टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला वो है फोर्ड इंडिया ने जो रिस्ट्रक्चरिंग किया है इंडिया में। आप सभी लोग अभी तक जान चुके हैं कि फोर्ड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अभी बंद करने वाला है इंडिया में। उसके दो प्लांट्स हैं, एक गुजरात में एक चेन्नई में। तो अभी तक तो चालू है, तो 2001 दिसंबर में गुजरात में बंद कर देगा मैन्युफैक्चरिंग, एंड चेन्नई में भी 2022 तक करेगा, उसके बाद फिर बंद कर देगा, ठीक है। तो इस चीज के बारे में बात करना है, तो रिस्ट्रक्चरिंग जो है अब फोर्ड कह रहा है कि वो इंडिया छोड़ के नहीं जा रहे हैं, उन लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहे हैं। जो लोकल अभी जैसे इकोस्पोर्ट हो गई, फीगो, एस्पायर और एंडियावर है, वो सब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, वो ये कह रहा है। और ये बोल रहे हैं कि वो CBU रूट जो है, जैसे कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स रहते हैं, वो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स इंडिया में लाएगा और बेचेगा, और सिलेक्टेड शोरूम्स में ही होएगा। अभी फिलहाल
टायर टू टायर थ्री सिटीज जो है वहां पे तो शोरूम्स बंद होंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां पे ये सीबीयू जो बोलते हैं कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट बिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है। तो जैसे अभी मेट्रो सिटीज हो गई मुंबई दिल्ली बैंगलोर और ये सब, तो वहां पे ये सीबीयू यूनिट्स बिक सकते हैं, तो वहां पे भी मतलब शोरूम थोड़े कम हो जाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल लो मुंबई का, तो उसमें अगर 3 फोर्ड के शोरूम्स है तो शायद एक रहे, तो ये हाल होने वाला है शोरूम्स का। तो आप टेंशन ना लीजिए, अभी फोर्ड कह रहा है कि वो जाएगा नहीं, ये सब चीजें बेचने वाला है सीबीयू से, तो आप फिर भी उनको पकड़ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इजी होगा उनके लिए, क्योंकि सीबीयू रूट्स बेचना बहुत मुश्किल काम है। बट उन्होंने ऑलरेडी मस्टैंग बेच चुकी, जो पहला बैच मस्टैंग का इंडिया में आया था उन्होंने पूरे बेच चुके हैं। बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अब ये तीसरा टॉपिक ये है कि अब मेरे जैसे और भी बहुत सारे फोर्ड ओनर्स हैं, उनका क्या होगा। ठीक है, अभी एक फैक्ट की बात बोलता हूँ मैं, कि सर्विस जो सर्विस रिक्वायरमेंट जैसे सर्विस सेंटर्स रहते हैं और पार्ट्स रहते हैं, वो डीलर लोग का बिजनेस रहता है। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर अभी एक डीलर अपॉइंट करता है, उसका शोरूम रहता है, फिर सर्विस सेंटर रहता है, तो सर्विस सेंटर वो उसका मेन कमाई का जरिया होता है। ठीक है, तो अब फोर्ड ने ये क्लेम किया है, और हम सब जानते भी है कि 20 सालों में फोर्ड ने कम से कम 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां इंडिया में बेची है। अब 10 लाख से ज्यादा गाड़ी बेची है, तो ये चीज, ये 10 लाख गाड़ियां का सर्विसिंग तो होएगा ही होएगा। तो जो पहला मेन पार्ट है, जो गाड़ी बिकी है, जो 10 लाख गाड़ियां बिकी है, तो उस तो वो सब चीज का सर्विस तो जरूरी है, तो वो मेन पार्ट है सर्विस सेंटर के चलने के लिए। तो आप टेंशन ना लीजिए, सर्विस सेंटर बंद नहीं होंगे। हाँ, जो ज्यादा मतलब एक एरिया में अगर 4-5 से, तो शायद 2 या 3 रह जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि सर्विस सेंटर ज्यादा बंद होंगे या कम्प्लीटली बंद होने वाले, क्योंकि वो उनका इनकम है। जैसे सर्विस सेंटर्स में अभी आप गाड़ी लेके आते हो तो सर्विस करना है, ये है, आप पैसे देते हो, कुछ 5-6 हजार रुपए लगते हैं सर्विस के, तो वो उनका इनकम है, वो बंद नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली स्पेयर पार्ट्स जो रहते हैं वो भी काफी गाड़ियों को लगते हैं, तो फिर वो भी उन लोग मैन्युफैक्चर करना बंद नहीं करेंगे, उन लोग अवेलेबल कर देंगे। एंड मेरे ख्याल से 8 या 10 साल तक तो पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे, इतना तो गारंटी है मुझे ऐसा लग रहा है। बट फिर भी आप 6-7 साल तक तो टेंशन मत लो। अगर आपने अभी रिसेंटली कोई फोर्ड की गाड़ी ली है, तो आप इतना टेंशन मत लो, इतना यू नो बेचने का डिसीजन मत लेना, क्योंकि आपने अपनी मेहनत के पैसे से गाड़ी ली है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसे 5 से 7 साल तक अच्छे से यूज कीजिए, उसका पूरा पैसा जो डाला है उसमें वसूल कीजिए आप। तो यही कहना चाहूंगा कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत ना ले लेना कि यार मैंने फोर्ड अभी ली है, मैं बेच दू, ये लू, कर दू, वो कर दू। नहीं, ऐसा मत करिए। सर्विस सेंटर्स जो है, मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि कोई आपके घर के नजदीक सर्विस सेंटर वो बंद हो जाए, तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़े, बट सर्विस सेंटर कम्प्लीटली बंद नहीं होंगे। एंड पार्ट्स भी मिलेंगे फोर्ड के, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली 2017 में जीएम मोटर्स जो शेवोले ब्रांड बेच रहा था इंडिया में, उन लोग भी इंडिया छोड़ के गए, उन लोग तो कम्प्लीटली छोड़ के चले गए। बट फिर भी आज भी 4 साल हो गए, उनके ओनर्स को सर्विस सेंटर जहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किया है वहां पे सर्विस करा सकते हैं, उनको स्पेयर पार्ट मिल रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स। ओके, तो आप बेफिक्र रहिए, अगर यूज कीजिए गाड़ी को, मैं यही बोलूंगा, बेचना मत, आपका नुकसान मत करना। एटलीस्ट 5 से 7 साल तो है कि कुछ नहीं होगा। हाँ, 8 या 10 साल बाद देखते हैं क्या होगा, जो होगा सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहो, अपनी न्यू कार है अभी समझो 1 साल भी नहीं हुआ, आप उसे यूज कीजिए, बेफिक्र होके यूज कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज, ये थे मेरे व्यूज फोर्ड इंडिया जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है इंडिया में उसके बारे में। ठीक है, टिल देन मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। थैंक
Thanks for watching the video, guys. For regular updates, please subscribe to my channel, Motormens. And don't forget to hit that bell icon for regular notifications.